अपन ने बेड बुक करा दिया वही रॉयल वाला और कुछ डिजाइन का एसी वगैरह मिल गया तो चलो अपन को लेते हैं। रूम वगैरह चेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी को रूम मेरा बहुत अच्छा लगा तो मम्मी ले रही वाला रूम, फिर अपना रूम हो जाएगा ऊपर तो हम पूरा रेनोवेशन वगैरह कराएंगे। अल्ट्रा लग्जरी बनने वाला रूम अपना और गाइस अपना बार भी आ जाएगा, बस बार का थोड़ा ऑर्डर पे है बार। सो हे गाइस दिस इज मी राहुल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस सुबह उठते अपन पी रहे हैं सबसे पहले चाय, फिर आप लोगों को पता ही है अपनी कल एग्जाम वगैरह थी तो रोज़ जल्दी वगैरह उठना पड़ती है तो गाइस नींद वगैरह भी पूरी नहीं होती है तो मैं चाय का पहला सिप वगैरह ले रहा हूँ। और गाइस मेरी एग्ज़ाम की टाइमिंग भी इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं ऐसे ख़राब ही है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 7 बजे से पेपर रहता है। नहीं वाला ब्लॉग नहीं देखा कृष्ण अड्डा का तो जाके देख लो कृष्ण अड्डा वाला ब्लॉग। तो गाइस अपन जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, तो गाइस अपन थोड़ा देख रहे हैं अपने घर के लिए बार वगैरह, अगर वहाँ पर बार वगैरह मिल जाए अच्छा तो अपन वही ख़रीद लेंगे तो फिर अपन अपना बार बनवाएंगे। तो गाइस चलो फटाफट से रेडी वगैरह होते हैं, नहाते हैं और चलते हैं। अभी मैं नहावा लिया हूँ तो चलो खाना वगैरह खाते हैं फिर निकलते हैं। मैं रेडी वगैरह हो गया हूँ तो अभी अपन चलते हैं। और गाइस एक बार विंग्स देखो कितनी तगड़ी विंग्स वगैरह हो रही है, तो थोड़ी अपन गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते थे। और गाइस गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इतनी गर्मी की पूछो ही मत। मिल गया था वहाँ से, देखते हैं इसका क्या कैसे व्यूज़ वगैरह रहता है। ऐसे निकल चुका और गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही है गाइस, तभी मतलब इतना भी पसीना आ गया कि अपने गाड़ी स्टार्ट करके रखी थी। और गाइस इस बार इंदौर की गर्मी बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। आगे मॉल के अंदर चलते हैं, अपन थोड़ा मॉल वगैरह घूमते हैं। तो गाइस कॉफ़ी तो लास्ट वगैरह लेंगे, पिछले अभी अपने सबसे फर्स्ट में कॉफ़ी वगैरह ली थी तो कॉफ़ी तो अपन लास्ट वगैरह में लेंगे। ठंडा नॉर्मल भी थोड़ी देर में आने वाला है, ग्राउंड फ्लोर पर आ गया हूँ मतलब बेसमेंट फ्लोर में आ गया हूँ, तो थोड़ा चलते हैं अपन। तो गाइस देखो काफ़ी क्या फील वगैरह है। तो गाइस अपन गेमिंग जोन वगैरह भी जाना है लेकिन कोई देखते हैं अगर अपना काम वगैरह हो जाए उसके बाद चाहेंगे अपन गेमिंग जोन वगैरह पे। तो गाइस अपन आ गए अभी एसी लेने और गाइस अपना कोई प्लान वगैरह नहीं था बस ऐसे ले रहे हैं एसी वगैरह। तो गाइस ऊपर वाला रूम में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वगैरह होती है तो उसके लिए काम वगैरह भी आ जाएगा। तो गाइस अपन अभी ऊपर वाला रूम वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए मतलब बेड वगैरह भी देखने जाएंगे अपन। जब अपन को मिट्सुबिशी का एसी वगैरह लेना था और जनरल का लेना था वो भी नहीं मिल रहा है मतलब। और गाइस और दूसरा मतलब एक और भी था अपना डिकैन भी नहीं मिल रहा है तो अब देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो गाइस अब तो लेना है क्योंकि कहीं और जाएंगे तो मतलब इनके सारे स्टोर पे है भी नहीं अवेलेबल। तो गाइस देखते हैं, अब डिकैन तो मिल नहीं रहा, ओज अंदर भी नहीं मिल रहा है, मिस्टी कुशी भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं उसके बाद क्या मिलता है। चेक वेक कर रहे हैं अगर डिकैन वगैरह उनका एसी अवेलेबल हो जाए उनके स्टोर वगैरह पे तो देखते हैं। और तो डिकैन का एसी वगैरह मिल गया तो चलो अपन को लेते हैं, उसका भी प्लान वगैरह कर रहे हैं थोड़े दिन में तो गाइस क्लीनिंग वगैरह के लिए आसानी रहता है। हो गया है तो अपन को कल परसों मिल जाएगा अपना मतलब एसी। चलो चलता है गाइस, उनके सन ग्लासेस थोड़ा सा उससे टाइट वगैरह करा लिया जाए तो एक ऑप्टिकल वगैरह यहाँ पर GBG ऑप्टिकल तो वहाँ चलते हैं। सन ग्लासेस अपन को सीधा वाइट को भी देना पड़ेंगे क्योंकि टाइट वगैरह कराने के लिए क्योंकि कोई दूसरा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि भाई ये हिट होकर होता है सन ग्लासेस जो महंगे के सन ग्लासेस वगैरह रहते हैं। तो अभी चलते हैं अपन स्टार बक्स वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और फिर जाएंगे अपने घर के लिए बार वगैरह देखने और अपने रूम के लिए बेड वगैरह क्योंकि अभी मम्मी आ चुकी है, अभी इंदौर में रहेगी अब तो इसलिए मम्मी ने अपना रूम वगैरह ले लिया है तो अपन दूसरा रूम चेंज करेंगे ऊपर वाला, उसके लिए बेड वगैरह भी देखना है। तो अभी अपन जाएंगे मैत्रा फर्नीचर, पहले चलते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। ये सैंडल लिया देखो क्या सैंडल लग रहा है, थोड़े दिन पहले यहाँ पर फिनिक्स मॉल में सैंडल गिर भी चुका था शायद, वो वाला मैं बताता हूँ कौन सा गिरा था। अपन आ गए स्टारबक्स कॉफ़ी कर लेते और भूख भी लग रही है, कॉफ़ी आ गई है और अपना फूड टेक हो रहा है। मैं मॉल से बाहर निकल चुका हूँ तो अपन जा रहे हैं मैत्रा वाला फर्नीचर, तो अपन को देखना है महाराजा बेड तो इस बार अपन थोड़ा अलग लेंगे क्योंकि एक बार एक का ले लिया अपन, एक तो अपन ने ले लिया है और इस बार थोड़ा अलग देखेंगे बेड वगैरह अपन। और बाहर भी देखना है बाहर कैबिनेट वगैरह कैसे हैं। अपन रूम वगैरह चेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी को रूम मेरा बहुत अच्छा लगा तो मम्मी ले रही वाला रूम, फिर अपना रूम हो जाएगा ऊपर उसको हम पूरा रेनोवेशन वगैरह कराएंगे पूरा, उसके लिए जा रहे हैं अपन बेड वगैरह देखने मैं वाला फर्नीचर से चले सकते हैं ऊपर। अब तो उपाय का मतलब ही शूट कर पाऊँगा अपन ने बाहर कैबिनेट फाइनल किया है क्योंकि बेड वगैरह तो अभी है नहीं ऑप्शन में ज़्यादा, थोड़े दिन में वैसे भी आएगा तो फिर ऐसे ही बेड से करा लेंगे अपन। तो अभी तो अपन ने फाइनल कर लिया बाहर, मेट्रो का काम तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बस थोड़े दिन में मेट्रो भी आ जाएगी। बार वगैरह बुक करा दिया है तो गाइस बेड भी अभी थोड़े दिन में नया बेड वगैरह आने वाला है वो भी आ जाएगा तो भी अपन बुक वगैरह करा देंगे। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं मावी स्पोर्ट्स उनको मतलब लिफ्टिंग के ग्लव्स वगैरह लेने वहाँ से क्योंकि डीकैथलॉन वगैरह तो मिले नहीं थे पिछली बार में गया था और नाइकी स्टोर वगैरह पे भी नहीं मिले थे, तो चलो अब चलते हैं मावी स्पोर्ट्स। और गाइस अपने रूम का रिनोवेशन का काम भी चालू होने वाला है, एसी भी हो चुका है अपन को कल मिल जाएगा एसी। तो मावी स्पोर्ट्स इंदौर की मतलब बेस्ट शॉप वगैरह है जहाँ पर स्पोर्ट्स का सारा सामान वगैरह मिलता है। लोग कहाँ से आते हैं गाइस अपन को तो मुंडा के मुड़ नहीं सकते हैं लेकिन ये लोग बीच में खड़े होते हैं, इनको सीधा जाना था, अब अपन को वेट करना पड़ेगा जब वो क्लियर होगा, यानी कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। पुल पता रहता है नहीं है, कोई सी भी लाइन वगैरह में घुस जाते हैं उल्टा, आप देखो ना अपन को 109 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा लगा उनको सीधे जाना था, इस साइड में सीधे चले आते हैं लेकिन अपन को टर्न वगैरह लेना है तो सामने से गाड़ी वगैरह आएगी लेकिन
तो गाइस पता नहीं क्या ही लोग रूल्स फॉलो वगैरह करते हैं गाइस, मुझे तो भूख वगैरह लग रही है, तो देखते हैं चलो लूटा सेट वगैरह जाते कहीं जाते हैं। अपन जा रहे हैं, अब अपन ऑर्डर वगैरह दे दिया है, गलती के चक्कर में अपन को एक मिनट खड़ा रहना पड़ गया। तो गाइस नमन तो खा नहीं रहा, तो मैंने अपने लिए मंगा दिया है, सबसे फेमस चीज़ यही है। देखो एक बार आप चीज़ हट से निकल चुका हूँ, अपन दो तीन कुछ काम वगैरह है वो करेंगे, फिर अपन निकलेंगे घर। बस महित्र वाला फर्नीचर जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी मतलब उनका नया स्टॉक वगैरह आ गया है, जैसे मैं मतलब सिटी साइड ही था, तो चलो अब चलते हैं अपन महित्र वाला फर्नीचर और देखते हैं मतलब उनके पास बैठ के ऑप्शन और आए हैं। तो भाई अपन डबल राउंड वगैरह मारना है, फिर अपन इतना दूर जाएंगे, तो भाई सब चलते ही क्या करें, क्योंकि अपना कल एसी वगैरह लग जाएगा और बेड वगैरह भी आ जाएगा, तो जल्दी अपना रूम का काम जितना जल्दी हो सके अपन उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने बेड बुक करा दिया वही रॉयल वाला, और गाइस अपने मतलब थोड़ा जो नीचे वाला रूम से बहुत अलग बेड है, और गाइस उससे भी मतलब काफ़ी अच्छा बेड वगैरह है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, कल डिलीवरी वगैरह हो जाएगी। और गाइस अपना ये वाला रूम भी पूरा रॉयल बनने वाला है, अल्ट्रा लग्जरी बनने वाला रूम अपना, और गाइस अपना बार भी आ जाएगा, बस बार का थोड़ा ऑर्डर पे है, बार भी थोड़े दिन में लग जाएगा अपने यहाँ पर। तो गाइस वापस अपन को पटेल लाइट हाउस वगैरह जाना पड़ेगा, स्विच बोर्ड वगैरह लेने और नई नई चीज़ें देखते हैं अब क्या क्या लगाते हैं, और पूरी रूम में मतलब प्रोफाइल लाइट वगैरह लगवानी की क्या लगवाना है। बुक वगैरह करा दिया, कल तक आ जाएगा गाइस, तो ऐसा कुछ देते हैं ये। और गाइस अभी अपन आए हैं धामा जंक्शन में खाना वगैरह लेने। गाइस इसकी नॉनवेज की बात तो मैं क्या करूँ गाइस, बाकी कोई सा भी नॉनवेज खा लो कितनी फाइव स्टार खा लो, लेकिन गाइस इसके बेस्ट चिकन वगैरह, चिकन मटन इसका सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ हमेशा। फिर आपको घर पे रखकर बताता हूँ कि अपन क्या क्या चीज़ करा रहे हैं और कौन सा रूम वगैरह रेनोवेट वगैरह करा रहे हैं, और अपना जो नया वाला बेड वगैरह कहाँ बनेगा, कापर तक कापर लगेगा और अपना बाहर कापर बन रहा है। पे आगे बताता हूँ, देखो शिरो कितनी मस्ती वगैरह कर रहा है, घर पे आता तो दिन भर मस्ती करा करेगा, तो जैसे ही घर पे आऊंगा देखो गाइस गोली उठा ली, अब लेने भी नहीं देगा ये, देखो इसको मस्ती करने देते दिन भर, गाइस कभी इधर लूट लगाना कभी उधर लूट लगाना। तो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ, आपको बताता हूँ कि अपने घर में क्या क्या काम होने वाला है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो गाइस यहाँ पर अपना पूरा बार वगैरह आएगा, तो थोड़े दिन में आ जाएगा अपना बार वगैरह भी। चलो अब चलते हैं ऊपर, आपको ऊपर का दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंज वगैरह करा रहे हैं अपने रूम के लिए अपन। तो गाइस कुछ अपना रूम है अभी तो बहुत गाइस बहुत भंगा रूम वगैरह हो रहा है, तो जैसे अपन रेस्ट वगैरह कराएंगे तो पूरा प्रॉपर बन जाएगा। आपको बताता हूँ कि अपने ये वाले रूम में अपन क्या करा रहे हैं। तो गाइस ये जो वॉल अपना है इसमें पूरे पैनल वगैरह लगवाएंगे, और गाइस ये जो देख रहे हो आप खिड़की वगैरह, तो जो पर्दे तो अपन हटा देंगे और पैनल वगैरह लगाएंगे जैसे अपने नीचे लगा रखा है। और गाइस कल तो अपना बेड आने ही वाला है, तो गाइस बेड वगैरह भी चेंज हो जाएगा, और गाइस थोड़ा सोफे वगैरह रखे हैं पूरा अटल ही पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर अपनी टीवी वगैरह आ जाएगी गाइस, और ये जो स्विच बोर्ड भी भंगाल लगे हुए हैं इसको अपन चेंज वगैरह करा देंगे। और गाइस पूरी लाइटिंग वगैरह जैसे हो रही है भंगाल लाइट वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह की जगह अपन पूरी लाइटिंग वाइटिंग कराएंगे पूरे रूम में। और गाइस क्लॉक भी हटा देंगे यहाँ से, तो गाइस एक वहाँ पर बोर्ड है और यहाँ पर बोर्ड हो जाएगा, तो उसी कनेक्शन जब अपन कराएंगे तो वहाँ पर जब पेमेंट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पर भी कनेक्शन करवा देंगे अपन। और गाइस दोनों दो दो झूमर आएंगे, एक इस साइड आएगा एक झूमर, एक उस साइड आएगा बिल्कुल झूमर। जो स्विच वगैरह है वही भंगार हो चुके हैं, तो अपन लगाएंगे यहाँ पर पूरे स्मार्ट स्विच वगैरह, इसी तो अपन ने बुक कराई दिया। और गाइस ये फैन वगैरह लगा हुआ है, तो फैन भी लगाया चेंज वगैरह कराएंगे। सीलिंग दिख रही है आपको, इसमें पूरी प्रॉपर प्रोफाइल लाइट वगैरह और नई पूरी सीलिंग वगैरह होगी रॉयल वाली बिल्कुल। एक हफ्ते बाद आपको पूरा काम कम्प्लीट दिख जाएगा अपना, ज़्यादा मेन काम वगैरह जो साइड टेबल वगैरह और होम थिएटर वगैरह लगेगा अपना दोनों साइड पर, जो पार्ट वगैरह बचा हुआ है इसमें पूरा 7 फीट का मिरर वगैरह लगवाएंगे। ऐसे जो वॉल बचा हुआ है यहाँ पर सोच रहे अपने स्नीकर वॉल वगैरह बनवा दें, जहाँ पर अपने सारे महंगे के जूते रखेंगे अपन यहाँ पर, सारे तो नहीं मतलब लिमिटेड रखेंगे, जो अपने पास सारे बहुत मतलब महंगे वगैरह शूज़ वगैरह हैं जो इसे तो सारे ही, लेकिन थोड़े गिने चुने रखेंगे अपन। अगला ब्लॉग अपन यहीं पर एंड करता है, आपको ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जब तक के लिए बाय।